पहलवानों से जुड़ी जींद में खिलाड़ियों के समर्थन में महारैली हुई। जींद के खटकड़ टोल प्लाजा पर खिलाड़ी पहुंचे। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक भी पहुंचे। खटकड़ टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। पूर्व गवर्नर राज्यपाल सत्यपाल मलिक को भी सम्मानित किया जाएगा। सर्व समाज भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया है खिलाड़ियों के पहलवानों के सम्मान में और उनके समर्थन में। तो खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है और उनके सम्मान में समर्थन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विजेंद्र कुमार हमारे साथ हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विजेंद्र, क्या कुछ रहा अब तक का प्रोग्राम और क्या कुछ मंच से बातें निकल कर आई सामने? नासिर, देखिए, कार्यक्रम के बाद सत्यपाल मलिक हैं जो पूर्व राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि 28 मई को जहां एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, वहीं हर हाल में महिला महापंचायत होगी जिसमें हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, दिल्ली से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचेंगी और देश का किसान और खास चौधरी उसको पीछे से जो है सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, मजबूती देंगे। आज इस बात को स्पष्ट यहां से किया गया है कि जहां उनको रोका जाएगा वो वहीं पर रुक जाएंगे, वहीं पर धरना प्रदर्शन अपना शुरू कर देंगे, आंदोलन वहीं से शुरू कर देंगे, टकराव किसी की स्थिति में वहां से नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हाल में वो पीछे नहीं हटेंगे जब तक जो कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, बीजेपी के जो MP है, सांसद हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और एक अहम और सबसे बड़ी बात है सत्यपाल मलिक ने कही है कि अब जो खिलाड़ी हैं उनको भी जो शिक्षण संस्थान है उनमें भेजा जाएगा, देश के जितने भी युवा हैं उनको आंदोलन खड़ा किया जाएगा। 2024 के जो चुनाव हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, उन चुनाव तक ये आंदोलन जारी रहेगा। या तो बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी करें, नहीं तो आखिर दम तक ये चुनाव जो है ये लड़ाई है इनकी जारी रहेगी, चुनाव तक ये लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। और जब तक इन्होंने स्पष्ट किया सत्यपाल मलिक ने कि बीजेपी को नहीं हटा देते, देश के जो किसान है, खाप चौधरी है, युवा है, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और एक आंदोलन की बड़ी रूपरेखा यहाँ से जींद से आज तैयार की गई है जिसमें हरियाणा के खाप चौधरी, किसान नेता और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के अलावा बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट शामिल रही। और एक स्पष्ट किया गया है कि चलेगा, लंबा चलेगा, ये किसी भी स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं है। साथ ही इन्होंने रोड मैप तैयार कर दिया है कि राज्य वाइज बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी, इन्होंने ये भी यहाँ से ऐलान कर दिया है कि कितनी सीटें हर राज्य से सीटें आएंगी। और बीजेपी की हार का ये सबसे बड़ा कारण बनेगा, या तो बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी करें, नहीं तो खापे और ये जो खिलाड़ी हैं शिक्षण संस्थानों तक, युवाओं तक, देश खैर परिवार और घर तक ये आंदोलन लेकर जाएंगे, ये आंदोलन को ठीक है। गिरफ्तारी होती है इनको रोका जाता है, हमें वही रोक कर अपना आंदोलन शुरू कर देंगे। और 28 मई को हर हालात में नई संसद भवन के सामने ये महिला महापंचायत करेंगे। शुक्रिया विजेंद्र पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो 28 मई को महिला महापंचायत होगी नए संसद भवन के सामने।